बड़ी खबर के साथ होगी बुलेटिन की शुरुआत। ब्रिटेन से केरल आया व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जानकारी मिल रही है। संक्रमित व्यक्ति का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया। अफ्रीकी देशों से कर्नाटक के बेंगलुरु आए 10 यात्रियों की भी तलाश लगातार हो रही है, उनको ढूंढा जा रहा है, लगातार तलाशी हो रही है। इस बीच कोरोना संक्रमित पाया गया ब्रिटेन से केरल लौटा व्यक्ति के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से अब तक 30 से भी ज्यादा देश प्रभावित हो चुके हैं। भारत में भी अब तक 2 मामले सामने आ चुके हैं। नए वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या तीसरी लहर भारत में आएगी। अब हिंदुस्तान में सेकेंड वेव के दौरान 2/3 जनता को इन्फेक्शन हो गया था, तो ऐसे लोगों को हाइब्रिड इम्यूनिटी हो गई है। ऐसे लोग इन्फेक्शन के लिए काफी रेजिस्टेंट हैं, इसीलिए हिंदुस्तान में केसेस बहुत कम हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में अफ्रीकी देशों से आए 10 यात्री अचानक लापता हो गए हैं। इन सभी लोगों ने अपने फोन भी बंद कर लिए हैं और दिए गए पते पर उपलब्ध भी नहीं है। उधर दिल्ली के LNJP अस्पताल में भी एट रिस्क वाले देशों से आए 12 लोग भर्ती कराए गए हैं। ये यात्री उन देशों से आए हैं जहां कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन का खतरा देश में पैर न पसारे, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। सरकार भी बाहर से आने वाले यात्रियों पर कड़ी नजर रख रही है, लेकिन समाज के कुछ लापरवाह लोग अभी भी इस खतरे को हल्के में ले रहे हैं। ऐसे में कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ाई कितनी मुश्किल हो सकती है, इसका हम और आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया की चिंता बढ़ती जा रही है, लोगों के मन में कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। इन सभी सवालों में एक सवाल यह भी है कि क्या ये नया वेरिएंट डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की प्रमुख वैज्ञानिक ने शुक्रवार को एक कॉन्फ्रेंस में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में कई सारी जानकारियां दी हैं। उन्होंने कहा है कि ये नया वेरिएंट अत्यधिक संक्रामक है और इसीलिए डेल्टा पर हावी हो सकता है। Need to be prepared and cautious. This is something we've been saying from the beginning of the pandemic. Not panic, because we're in a different situation today than we were at the beginning of 2020. We have tools, we know what to do, we know what works. And so let's remember, Delta currently accounts for 99% of infections around the world, according to the GISAID, the database of whole genome sequences. This variant would have to be much more transmissible than Delta to outcompete and become the dominant variant worldwide. It is possible that it could happen, but I think it's impossible to predict. And in terms of numbers, I think we should now prepare to not let the numbers surge. और इस पे कोई भी शक नहीं है कि ओमिक्रॉन देश के मन में तीसरी लहर का शक पैदा कर चुका है। इस वेरिएंट में जितने ज्यादा म्यूटेशन पाए गए, उससे इसकी संक्रमण क्षमता बहुत ज्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही ये भी डर है कि नया वेरिएंट मौजूदा टीकों के प्रभाव को भी कम कर सकता है। ऐसे ही कई सवालों का जवाब आज जी न्यूज आपके लिए लेकर आया है। तो सवाल है, तीसरी लहर की कितनी आशंका है? जवाब इसका है, वायरस कितनी तेजी से फैलता है और कितना गंभीर फिलहाल साफ नहीं है। तो वहीं वैक्सीन कितनी प्रभावी, इसका जवाब, ओमिक्रॉन पर प्रभावी नहीं होने का कोई भी प्रमाण नहीं। एक और सवाल, कितना अलर्ट रहना होगा हमें और आपको? जवाब इसका है, ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रामक है, सावधानी जरूरी हमारे आपके लिए है। तो वही बचाव कैसे किया जाए इससे, इसका जवाब यह है कि मास्क पहनना ही है, सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि 2 गज दूरी अब भी है जरूरी, इन सब बातों का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी। और इस बीच जानकारी आ रही है कि जो कनाडा है वहां पर ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ गए हैं। कनाडा में ओमिक्रॉन के 15 केसेस की पुष्टि की जानकारी है। कनाडा का जो स्वास्थ्य विभाग है उसने कहा, बीमार होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा हो रहा है। ये खबर कनाडा से है जहां पर 15 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। और जो कनाडा का स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से जानकारी सामने आई है कि जो बीमार लोग हैं उनकी संख्या तेजी के साथ कनाडा में बढ़ती जा रही है। ऐसे में 15 और केसेस की ओमिक्रॉन के पुष्टि
हो चुकी है कनाडा में। और कोरोना के नए वेरिएंट की सबसे ज्यादा मार इस समय साउथ अफ्रीका झेल रहा है। ओमिक्रॉन के केसेस वहां काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, तो वहीं पर रूस में कोरोना को लेकर एक नया खुलासा हो गया है जो सचमुच चौंकाने वाला आंकड़ा दर्शाता है। दरअसल साउथ अफ्रीका में बीते 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। यानी 9 प्रांतों में नए वेरियंट के मामले तेजी से बढ़े। आंकड़ों की माने तो पूरे साउथ अफ्रीका में पिछले सप्ताह के मुकाबले 468% की तेजी के साथ बढ़े हैं केसेस। तो वही रूस में अकेले अक्टूबर में कोरोना से 75,000 लोगों की मौत हो गई है। तो कोरोना का कहर, चाहे साउथ अफ्रीका की बात करें, रूस की बात करें, कितनी तेजी के साथ केसेस में इजाफा हो रहा है वो आंकड़े लगातार हम आपसे साझा करते हुए। तो कनाडा का अपडेट आपको फिर से देते हैं। ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं लगातार। जो स्वास्थ्य विभाग है कनाडा का, उसका साफ तौर पर कहना है कि बीमार लोगों की संख्या कनाडा में तेजी के साथ बढ़ रही है। और जो ताजा अपडेट इस पर जुड़ा है वो ये है कि 15 मामलों की पुष्टि ओमिक्रॉन केसेस में कनाडा में हो चुकी है। तो दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट की चर्चा तेज है, दहशत भी बढ़ी हुई है। ओमिक्रॉन के बीच दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नेता हैं जो बाइडेन, उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खांसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर एक प्रेस वार्ता की है। जब प्रेस वार्ता में मौजूद पत्रकारों ने जो बाइडेन से उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूं, लेकिन कुछ ही देर रुक कर उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरा कोरोना टेस्ट रोज होता है। तस्वीर जो बाइडेन की ये तेजी के साथ हुई है वायरल। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।